हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू बैंक आईक्यू। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड माय डियर फ्रेंड्स। आज 6th मई है और आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 6 इंपॉर्टेंट आइटम्स। इसमें गवर्नमेंट ने एक ड्यूटी हाइक का डिसीजन लिया था, तो इसकी इफेक्ट क्या हुई है मार्केट के ऊपर ये देखेंगे। IBC रेजोल्यूशन, फिर जियो एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आने वाला है। यहाँ पर जो हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसके साथ जुड़ी हुई जो इनएफिशियंसी है उसको हम देखेंगे। भारत का ऑयल के ऊपर जो एक इंपोर्टेड ऑयल के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो बढ़ता जा रहा है। और लास्ट में सेबी का एक डिसीजन जो है वो स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये क्या है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, ये है मेरा FB पेज, यू कैन फॉलो मी। कुछ 16,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे इस पेज के माध्यम से मेरे साथ कनेक्टेड हैं। दे गेट ऑल अपडेट्स रिगार्डिंग माई लेक्चर्स। इसके साथ लेक्चर्स की PDFs भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज और एनीथिंग देन यू कैन गेट इन टच विथ मी एज वेल। इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो बात करते हैं ड्यूटी हाइक के बारे में। मेरा मानना है डियर फ्रेंड्स, ड्यूटी हाइक की जो बेसिक चीज़ है उसके बारे में आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं देन डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू एनी वे। 2018 सितंबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक डिसीजन लिया था कि जो बहुत सारे ऐसे कॉमन प्रोडक्ट्स जो हैं, बेसिक प्रोडक्ट्स जैसे कि एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फिर दूसरी जो ऐसी आइटम्स हैं, तो इसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दी थी। इसके पीछे जो मेन लक्ष्य था, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि इसके ये जो ड्यूटी है उसको हाइक की जाती है। तो सबसे पहले तो ये जो नॉन एसेंशियल इम्पोर्ट्स हैं जिसकी इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, इतनी ज़्यादा आवश्यकता का मतलब ये है कि ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे देश में भी अवेलेबल हैं, तो इनके इम्पोर्ट्स के ऊपर एक इसका जो एक फ्लो है, इनफ्लो के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट ने इसकी ड्यूटीज़ बढ़ा दी थी। सेकेंड थिंग इज़ कि जब चीज़ें हम ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं और कम एक्सपोर्ट करते हैं तो जो करंट अकाउंट है ये डेफिसिट में चला जाता है। यहां पर दो चीजें आपको समझनी है, एक है डेफिसिट एंड द सेकंड वन इज सरप्लस। डेफिसिट का मतलब है माइनस में होना और सरप्लस का मतलब है प्लस में होना। तो अगर हम ज्यादा इंपोर्ट्स करते हैं और एक्सपोर्ट्स कम होते हैं तो ओवरऑल जो अकाउंट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं और कम चीज़ें बेच रहे हैं। आप एक व्यापारी की तरह सोचने की कोशिश कीजिए, भारत को या फिर हमारी जो इकोनॉमी है इसको एक व्यापारी के कंटेक्स में देखिए। मान लीजिए कि भारत एक दुकान है, एक शॉप है या फिर एक बिजनेस है, तो अगर हम ज़्यादा इम्पोर्ट्स करते हैं या फिर ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं अपने शोरूम के लिए और कम चीज़ें बेचते हैं तो डेफिनेटली जो पैसे हैं वो हमारे नेगेटिव में चले जाएंगे। और अगर रिवर्स सिचुएशन है, हम ज़्यादा चीज़ें बेचते हैं और कम चीज़ें खरीदते हैं तो फिर जो फ्लो है पैसों का वो ज़्यादा होगा, तो हम सरप्लस में होंगे या फिर प्लस में होंगे। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। तो ऐसी बहुत सारी आइटम्स थी जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो ड्यूटी है वो बढ़ा दी थी, लेकिन जो हम रिजल्ट अचीव करना चाहते थे वो हम नहीं कर पाए। ना तो CAD में इतना ज़्यादा फ़र्क देखने को मिला, ना रुपी स्ट्रॉन्ग हो पाया। ये जो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टेटिस्टिक्स हैं DGCIS, इनका डेटा ये बता रहा है कि जो सिचुएशन है, जो ये ड्यूटी हाइक से सिचुएशन इनफैक्ट रिवर्स हो गई। अक्टूबर 2018 और फरवरी 19 के बीच में अगर हम देखें तो एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, फुटवेयर, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें ऑन एन एवरेज इम्पोर्ट्स जो हैं ये 5% जितना इंक्रीज़ हुआ है। और दूसरी जो आइटम्स हैं जिसमें अगर हम जेम्स एंड ज्वेलरीज़ को निकाल दें तो हम 15% जितना जंप या फिर इम्पोर्ट ज़्यादा बढ़ा है। और ये सारी चीज़ें तब हुई जब इसकी ड्यूटी बढ़ा दी गई थी। जेम्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट जो हैं वो थोड़ा स्लो डाउन हुआ, लेकिन ये एक बहुत ही वोलेटाइल यानी कि एक बहुत ही अप एंड डाउन होने वाला एक सेगमेंट है, तो इसके ऊपर इतना ज़्यादा हम रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन हमारे जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन थे, फॉर्मर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो थे अरविंद पनगरिया साहब, तो उन्होंने नवंबर 2018 को ये बताया था कि इस प्रकार से इंपोर्ट ड्यूटीज़ को बढ़ा देना जो है ये इकोनॉमी के लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकता है, और उनकी बात जो है वो सच भी साबित हुई। उनका कहना ये था कि देखिए,
हमारे देश का जो विकास हुआ है, खास करके हमारी जो इकोनॉमी का जो एक ग्रोथ हमें देखने को मिला है 1991 के बाद, जब हमने एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो जब हमने हमारी इकोनॉमी के दरवाजे दुनिया के सभी देशों के लिए खोल दिए, तब से हमारे देश में एक ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला है। तो हमारे देश में जो एक प्रोटेक्शनिस्ट थियरी हम एक लंबे टाइम से फॉलो कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ों को जब हमने हटा दिया, तो उसी की वजह से आज हमारा देश जो है वो इस मुकाम तक पहुंचा है। और बात सही है पनगरिया साहब की, और उन्होंने ये भी बताया था कि ऐसी ये जो प्रोटेक्शनिज्म है इससे फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन के हम आज पार्ट भी हैं। तो बहुत सारे जो इस प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं और वो यहाँ पर आते हैं रॉ मटेरियल के तौर पर, कई बार फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के तौर पर भी आते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, अगर हमें हमारी मार्केट को इम्प्रूव करना है, एंड दिस इज़ ये थोड़ा हार्श है लेकिन इट इज़ राइट, इफ़ यू डोंट कम्पीट विद बेस्ट देन योर मार्केट विल, या फिर आप भी कभी बेस्ट नहीं हो पाएंगे। अगर आपका कॉम्पिटिटर जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स निकाल रहा है, तो फिर आपको भी अपलिफ्ट होना पड़ेगा, वरना तो आप जो एक इन्फीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और वही मार्केट में बिक रहे हैं, तो फिर मार्केट जो है वो डेवलप नहीं हो पाती। इसके अलावा एनालिस्ट्स जो हैं उनका कहना ये है कि 86,000 करोड़ रुपीज़ का जो टोटल इम्पोर्ट्स होता है इन सारे प्रोडक्ट्स का, तो ये टोटल मर्चेंडाइज इम्पोर्ट का सिर्फ 2.5% है। हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है इसका सिर्फ 0.5% है, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इसके ऊपर। इनफैक्ट जीएसटी का कलेक्शन जब डाउन हो रहा था, तो उस टाइम पर ये जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिला, तो उससे गवर्नमेंट का काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो गवर्नमेंट शुड नॉट गो फॉर दिस, जो भी एक छोटी मोटी ड्यूटीज़ लगाते हैं वो सही है, लेकिन इसको इंक्रीज़ करना जो है वो राइट नहीं होगा। मूविंग ऑन टू एक नेक्स्ट आइटम है, ये आईबीसी के साथ जुड़ी हुई है। छोटी छोटी अपडेट्स भी आईबीसी की जो होती है, छोटी यानी कि इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो भी होती है, वो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करता हूँ। यू नेवर नो, इसके ऊपर से आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है, या फिर धीरे धीरे अगर हम कंटिन्यूसली यानी कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है उसको जब डिस्कस करते हैं, तो एक टॉपिक के ऊपर हमारी जो एक समझ है, जो इसके अप्स एंड डाउन्स है, पूरी जो टाइमलाइन है वो हमें क्लियर हो जाती है। तो इसी प्रकार से पढ़ाई की जाती है। एनीवे, तो दो दर्जन जितनी कंपनीज थी या फिर केसेस जो थे, जो सेकंड लिस्ट आरबीआई ने निकाला नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, तो इसमें लगभग 23-24 जितनी कंपनीज थी, लेकिन अगस्त 2017 से लेकर आज तक सिर्फ 3 ही ऐसी कंपनीज हैं जिनका जो रेजोल्यूशन है वो सक्सेसफुली हम कर पाए हैं। इसमें एक रुचि सोया इंडस्ट्रीज हैं, ईपीसी कंस्ट्रक्शंस हैं और एआरजीएल, ये सिर्फ 3 ही ऐसी कंपनीज हैं जिसमें चीज़ें हम सॉर्ट आउट कर पाए हैं। टोटल जो सेकंड लिस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, वो था 1,28,000 करोड़ रुपीज़। और ये जो 3 कंपनीज हैं इनके बिडर्स के नाम भी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। रुचि सोया जो हैं तो उनको पतंजलि आयुर्वेद ने, रॉयल पार्टनर्स ने ईपीसी कंस्ट्रक्शन को, और कारवेल एयरसेल ने एआरजीएल को टेक ओवर या फिर बिडिंग प्रोसेस में खरीद लिया है। बाकी के कुछ 15 जितने एसेट्स जो हैं वो वेरियस अलग अलग स्टेजेस के ऊपर हैं, इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस के अलग अलग स्टेजेस में हैं। बात करते हैं एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए, ये रिलायंस जियो के साथ जुड़ी हुई है, ना तो रिलायंस जियो हमें स्पॉन्सर करता है, इट इज़ जस्ट अबाउट टेक्नोलॉजी, दैट्स वाई आई एम शेयरिंग दिस पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम विथ यू गाइज। इंटरेस्टिंग चीज़ है, रिलायंस इज़ गोइंग टू ब्रिंग आउट जियो गीगा फाइबर। ये एक फाइबर टू होम वायरलाइन ब्रॉडबैंड सर्विस है, वायर लाइन विथ वायर, राइट? तो अंडरग्राउंड वायर से जो भी ब्रॉडबैंड के वायर जो हमारे घर तक आते हैं, तो अब जियो गीगा फाइबर जल्द ही इसकी शुरुआत होगी। इंटरेस्टिंग चीज़ जो इसमें है वो ये है, ये जो चीज़ हैं वो हम सब इस्तेमाल करते हैं, इट्स वाईफाई। मान लीजिए कि आपके घर में या फिर ऑफिस में वाईफाई है, नॉर्मली तो हम हमारे फ़ोन का डेटा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब भी हम हमारे घर में पहुंचते हैं या फिर वाईफाई जो एक इसका एक रीजन है वहां पर एंटर होते हैं जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, आइदर इन ऑफिस और आइदर इन एट होम, तो यहां पर जब वाईफाई रीजन में हम आ जाते हैं तब डेटा जो है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, एज़ राइट? तो सेम चीज़ अब इस
जियो गीगा फाइबर में सेम टेक्नोलॉजी, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है वो इस तरीके से होगा कि जब आप इस गीगा फाइबर की रेंज में आ जाएंगे तब आप अगर कॉल करते हैं तो वायरलेस कनेक्शन से नहीं, लेकिन वायर्ड, ये जो फाइबर बेस्ड डेटा है या फिर वायर जो है इसके थ्रू आपका कॉल जो है वो कंप्लीट होगा। इसका मतलब जस्ट लाइक यू नो इट्स गोइंग टू बी जस्ट लाइक वाईफाई, लेकिन आपका कॉल जो है वो वायरलेस नेटवर्क से नहीं लेकिन वायर्ड नेटवर्क से जनरलाइज किया जाएगा। तो इससे कॉल ड्रॉपिंग की जो एक दिक्कत है, समस्या जो है, नेटवर्क नहीं मिलता, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बंद हो जाएगी, होपफुली ख़त्म हो जाएगी। तो दैट्स ए वेरी न्यू थिंग दैट जियो इज़ गोइंग टू ब्रिंग आउट। ये सिर्फ जियो फोन, और जियो फोन इन द सेंस अगर आपका कार्ड जो है वो जियो का है और घर में ब्रॉडबैंड अगर जियो का है तभी ये फैसिलिटी का इस्तेमाल कर पाएंगे। इंटर ऑपरेबिलिटी जो कहते हैं वो चीज़ इसमें नहीं होगी, बट आई एम श्योर इन फ्यूचर मोर कंपनीज आर गोइंग टू ब्रिंग आउट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, एंड फ्यूचर में इंटर ऑपरेबिलिटी भी हमें शायद देखने को मिले, बट इट विल सोल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ दिस कॉल ड्रॉप इश्यूज़ पर्टिकुलरली इन सिटी एरिया, कंजेस्टेड एरिया में कई बार इस प्रकार जो कॉल जो हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। हाइट ऑफ इन एफिशिएंसी, ये एक बहुत ही दुखद चीज़ है, और ख़ास करके ये चीज़ जुड़ी हुई है फूड के साथ, फूड ग्रेन के साथ, फूड स्टोरेज के साथ। ट्रांसपेरेंट लिक्विडेशन पॉलिसी हमारे देश में नहीं है एज फार एज फूड ग्रेन्स आर कंसर्न्ड। तो जो स्टॉक होना चाहिए, आई थिंक आई शुड स्टार्ट विथ बेसिक्स। हमारे देश में आपको पता है MSP कैसे काम करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ये जो MSP फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो किसान से MSP देकर ये जो चावल हैं, गेहूं हैं, जो भी फूड क्रॉप्स हैं वो ख़रीद लेती है और इसको स्टोर कर देती है। एक बफर स्टॉक मेंटेन किया जाता है, बफर स्टॉक यानी कि इतना मान लीजिए कि 1,00,000 टन गेहूं जो है उसका स्टॉक गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। तो 1,00,000 टन जितना गेहूं जो है वो गवर्नमेंट मार्केट में से या फिर किसानों से डायरेक्टली खरीद लेगी बाय पेइंग देम मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये स्टॉक इतना बढ़ गया है जो बफर लिमिट है, बफर नॉर्म है, उससे 2.7 टाइम्स ज़्यादा स्टॉक हो चुका है। अब इसका पूरा जो सॉल्यूशन है वो कैसे निकाला जा सकता है या फिर कैसे निकाला जाना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तरफ हमारे देश में जो किसान हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है, गवर्नमेंट उनको MSP प्रोवाइड करती हैं, और ये जो स्टॉक हैं उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, इसको बेच देना, ये भी गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि अगर ऐसा ही खाना, ये खाने पीने के जो दाल चावल एक्सेट्रा सारी चीज़ें अगर ऐसे ही स्टॉक में, गोडाउन में पड़ी रहती हैं तो वो किसी के काम नहीं आती हैं। तो फूड ग्रेन स्टॉक जो है इसका बफर नॉर्म है 21.04 मिलियन टन, लेकिन फर्स्ट अप्रैल 56.82 मिलियन टन का स्टॉक जो है वो सेंट्रल पूल में रिजर्व्ड है। बफर लेवल बहुत ही अलार्मिंग लेवल तक पहुंच गया है। आई हैव ए इन्फोग्राफिक फॉर यू गाइस एज वेल। अशोक गुलाटी साहब हैं जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस CACP के चेयरमैन थे, और उनके शब्द यहाँ पर आई वुड लाइक टू कोट हिम। दिस इज हाइट ऑफ इकोनॉमिक इन एफिशियंसी, स्टॉक्स नीड टू बी लिक्विडेटेड इन द डोमेस्टिक मार्केट थ्रू ओपन मार्केट सेल्स स्कीम्स और एक्सपोर्टेड। यानी कि जब बफर स्टॉक जो हैं अगर इतना ज़्यादा हो गया है तो जो भी स्टॉक है उसको आपको मार्केट में ओपन मार्केट सेल्स यानी कि मार्केट में आप इसको बेच दीजिए या फिर इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए, इतना ज़्यादा स्टॉक रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक शांता कुमार पैनल 2014 में गवर्नमेंट ने गठित की थी, और इस पैनल ने, जो शांता कुमार पैनल हैं, उनके रिकमेंडेशंस में से एक रिकमेंडेशन ये था कि फूड कॉरपोरेशन इंडिया को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए, इसको अनबंडल किया जाए, यानी कि स्टॉक जो हैं वो कोई और ऑर्गेनाइजेशन संभाले, ख़रीदारी जो है वो कोई और ऑर्गेनाइजेशन करे, और जो इसकी बिक्री है वो कोई और ऑर्गेनाइजेशन करे। फिलहाल सारी चीज़ें FCI करता है। और इस पैनल ने यह भी बताया था कि जब स्टॉक जो हैं वो बफर लिमिट को क्रॉस कर जाए तो तुरंत ही OMSS यानी कि ओपन मार्केट सेल्स जो हैं इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए, या फिर इसको दूसरे देशों में एक्सपोर्ट्स करने की जो भी एक प्रोसीजर है इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए। लेकिन ट्रांसपेरेंसी नहीं है और ये सारी चीज़ों की वजह से एक लथार्जी हैं, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज़म है, तो ये सारी चीज़ों से ये सिचुएशन हमें देखने को मिलती हैं।
एक ऊर्जा संगम था 2015 में, मार्च 2015 में, और उस टाइम पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बताया था कि भारत का जो एक डिपेंडेंस है, हमारा जो एक रिलायंस है ऑयल के ऊपर, इंपोर्टेड ऑयल के ऊपर, तो ये धीरे धीरे हमें कम करना है। 2013-14 का जो लेवल था उससे हमें 77% ड्रॉप करना होगा, देन 67% बाय 2022, और नियरली हाफ जो भी हम 2013 में इंपोर्ट करते थे उसका हाफ हमें अचीव करना होगा बाय 2030। लेकिन उल्टा हो रहा है यहाँ पर भी, राइट, 10% कट करने की बात कही थी लेकिन यहाँ पर 10% ज़्यादा बढ़ गया है, 84% हमारा टोटल जो ऑयल है जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका 84% हम इंपोर्ट करते हैं। तो बढ़ता जा रहा है हमारा रिलायंस, एंड दैट ऑल्सो मीन्स, देखिए पेट्रोल भी हम खरीदते हैं, इसको भी आप एक प्रोडक्ट के कंटेक्स्ट में अगर देखें, तो मैं जो आपको करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में बात कर रहा था, तो ये चीज़ में ये होता है कि जब हम ऑयल ज़्यादा खरीदते हैं तो हम कितना भी एक्सपोर्ट कर लें, राइट, हमारा जो ओवरऑल अकाउंट है वो डेफिसिट में ही रहेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, तो ये जो बैलेंस है वो हमारे पक्ष में नहीं रहता, इट डज नॉट स्टे इन आवर फेवर, टू पुट इट इन यू कैन से मोस्ट सिंपल वर्ड्स। तो ये बढ़ता जा रहा है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी तरकीबें भी निकाली, जैसे कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, बायोफ्यूल का इस्तेमाल ज़्यादा करना, एनर्जी को कंजर्व करना, एक्सप्लोरेशन के रूल्स, यानी कि हमारे देश में अगर कहीं पर तेल है या फिर ऑयल अगर कहीं पर हैं तो इसको एक्सप्लोर करना पड़ता है, तो इसके साथ जुड़े हुए जो एक्सप्लोरेशन के रूल्स हैं उसको भी हमने काफ़ी इम्प्रूव करने की कोशिश की, यहाँ पर प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को सीक करने की कोशिश की। पहले न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी जो थी इसको बदलकर हेल्प कर दी, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, इसमें ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी हमने इंट्रोड्यूस की, यानी कि जो कंपनीज हैं उनको फ्रीडम दिया जाता है कि आपको जिस एरिया में एक्सप्लोरेशन करना है वो आप कर सकते हैं। ऑयल और गैस जो है जब एक बार कंपनी को मिल जाता था तब गवर्नमेंट इसको टेक ओवर कर लेती थी, लेकिन इस पर भी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी छूट छाट दी है, लेकिन हमें इतना ज़्यादा जो एक इन्वेस्टमेंट जो है वो देखने को नहीं मिला है, और इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। कभी अगर चांस मिला तो ऑयल या फिर रिन्यूएबल एनर्जी और इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को इन डेप्थ तरीके से देखेंगे, ये जो इश्यूज एंड चीज़ें हैं उसको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे फ्यूचर में, नो डाउट। लेकिन सो फार यू कैन सी देयर आर फ्यू फिगर्स हियर, 2015-16 में हमारा जो ऑयल का बिल था वो $64 बिलियन था, 2018-19 में ये 87.8 बिलियन हो गया, और करंट जो हैं, बिग यू पार्डन, 2018-19 में ये 111.9 बिलियन हो गया, और ये जो 2016-17 का जो बिल था वो था कुछ 87.8 बिलियन। सो एज यू कैन सी फ्रॉम 2015-64 फिर 87 एंड नाउ वी आर क्लॉकिंग $111.9 बिलियन विच इज़ क्वाइट हाई। और वन मोर थिंग, आउटपुट जो है ऑयल का, जो हमारी यहाँ का जो लोकल प्रोडक्शन है वो भी एक ड्रॉप होता हमें देखने को मिल रहा है। लास्ट आइटम ऑफ द डे, इट इज़ अबाउट सेबी। सेबी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन, एक चीज़ को डिसाइड करने वाली है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये तय कर रही है कि जो ऑफशोर इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वो अनलिस्टेड कंपनीज के भी शेयर्स खरीद सकें। एक कमिटी थी, फॉर्मर आरबीआई डिप्टी गवर्नर एचआर खान की कमिटी ने ये सजेशन दिया था कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको बूस्टअप करने के लिए, जो अनलिस्टेड स्टार्टअप्स या फिर अनलिस्टेड एंटिटीज़ जो हैं इनको ज़्यादा फंडिंग मिले, इसके लिए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स जो हैं उनको आपको एक छूट देनी चाहिए कि वो डायरेक्टली स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकें। सो दैट्स ए बिग मूव और दैट्स ए गुड रिकमेंडेशन एज वेल। तो अगर ये चीज़ होती है तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमारे देश की स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे, तो इससे जॉब्स क्रिएट होगी, स्टार्टअप्स जो हैं उसको प्रमोशन मिलेगा, लोग नए एंटरप्रेनर्स हमें देखने को मिलेंगे, तो मार्केट में डिस्रप्शन होगा, नए प्रोडक्ट्स, नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें आएगी। सो ओवरऑल भारत के लिए ही इसका, हमारे देश के लिए, हमारी देश की इकोनॉमी के लिए इसका फ़ायदा होगा।
So that's everything in today's discussion, dear friends. You can download the PDF of all my lectures from all these four sources. Please don't forget to share this lecture with other students. And if you have enjoyed today's discussion, then please don't forget to hit the like button. I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.